नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप LIC पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, और आप अगर सरेंडर करते भी हैं तो आपको कैसे करना चाहिए सरेंडर। दरअसल आप जब भी किसी भी LIC पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आप जितना भी पैसा LIC पॉलिसी में आप जमा करते हैं वो पैसा आपको पूरा का पूरा नहीं मिलता है, और उसमें आपका कोई बोनस भी नहीं मिलता है। यानी कि आप जितने भी पैसा जमा करते हैं उसके करीब 70-80% के अंदर ही आपको पैसा मिलता है, बाकी पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलता है और आपको बोनस भी नहीं मिलता है। लेकिन LIC का पॉलिसी जब भी आप सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 3 साल के बाद ही आप कर पाएंगे, इससे पहले आप LIC की पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते। ये भी कुछ कुछ प्लान्स पर भी डिपेंड है। कुछ पॉलिसी है जो 1 साल के अंदर आपको सरेंडर करने, 1 साल के बाद आपको सरेंडर करने को देता है, लेकिन ज़्यादातर पॉलिसी आपको 3 साल के बाद ही सरेंडर करने को मिलता है। ये जो 1 साल का, 1 साल के बाद जो पॉलिसी सरेंडर होता है ये करीब FD होता है, जो फिक्स डिपोजिट सिंगल प्रीमियम होता है, ऐसे वही पॉलिसी आपको सरेंडर करने को मिलता है। वरना आपको सभी के सभी प्लान जो अभी आ रहे हैं सब के सब 3 साल के बाद ही आपको सरेंडर करने को मिलता है। और सरेंडर करने के लिए आपको अपने नज़दीकी जो भी, यानी आपके जो पॉलिसी जिस ब्रांच में आपका है उस ब्रांच में जाकर आपको सरेंडर का जो फॉर्म है फॉर्म को लेना पड़ता है, वो उसमें फिलअप करके बाकी आपको उसके साथ अपना पैन कार्ड और बैंक के पासबुक और उसके साथ ही जो पॉलिसी का बॉन्ड आपने आपको जो मिलता है वो पॉलिसी का बॉन्ड भी आपको देना पड़ता है, और उसके बाद आपके करीब 1 हफ्ता या 15 दिन के अंदर आपको आपका पॉलिसी सरेंडर हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं और सोचते हैं कि आप सरेंडर करें या ना करें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपने पॉलिसी को सरेंडर ना ही करें तभी आपका बेस्ट है, क्योंकि जब आप सरेंडर करते हैं तो आपका खुद का पैसा नुकसान होता ही है, और LIC भी आपको बोलता है कि आप सरेंडर मत करिए, सरेंडर नहीं करने से अच्छा है आप अपना पैसा मेच्योरिटी में ले सकते हैं। जब आप मेच्योरिटी में पैसा लेंगे तो आपको जितना पैसा आपका आपने जमा किया है उसका उसको वो तो मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको बोनस भी मिलेगा। तो आप सरेंडर नहीं करने से आपको अच्छा रहता है ज़्यादातर आप लोग सर, या फिर आपको चाहते हैं कि नहीं अभी आप चला नहीं पाएंगे पॉलिसी को, या फिर आप प्रीमियम नहीं दे पा रहे, भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पॉलिसी को बैठा के रख सकते हैं, और जब आपका मेच्योरिटी का वक्त आएगा तो LIC खुद ब खुद आपको लेटर आपके घर में सेंड कर देगा मेच्योरिटी के पैसा लेने के लिए। तो आप इस तरह भी देख सकते हैं, अगर आप चलाना नहीं चाहते हैं तो पॉलिसी को बैठा कर रख दीजिए, या फिर आपको पैसा चाहिए तो आप अपना पॉलिसी में से लोन ले सकते हैं, लोन से निकाल के पैसा आप अपने काम में लगा सकते हैं, और आपको पॉलिसी जो सरेंडर बिना करे आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि लोन आपको 3 साल के बाद LIC देता है। लोन कितना मिलेगा आप अपना ब्रांच ऑफिस में जाइए और पॉलिसी नंबर लेके जाइए, वहां पर दिखाइए आपको कितना लोन मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन भी आपको करीब 10-15 दिन के अंदर ज्यादातर मिल जाता है, हफ्ता के अंदर ही मिल जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि करीब 15 दिन के बीच में आपको मिल ही जाता है। तो ये कई रास्ता है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सरेंडर करना ही चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहते हैं कि नहीं पॉलिसी को बैठा के रखेंगे मेच्योरिटी के वक्त पूरा मुनाफा के साथ लेंगे तो ले सकते हैं। अगर पैसे की ज्यादा इमरजेंसी है तो आप लोन भी ले सकते हैं, अगर लोन आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप सरेंडर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरेंडर ना करें और अपने पॉलिसी को कम्प्लीटली चलाइए और प्रीमियम दे के चाहिए और मेच्योरिटी के बाद उसका पूरा सारा मुनाफा लीजिए। पॉलिसी आपका जब सरेंडर कर देते हैं तो करने के बाद आपका पास कोई इंश्योरेंस नहीं रहता है, कोई रिस्क कवर नहीं रहता है, क्योंकि पॉलिसी परमानेंटली क्लोज हो जाता है। आशा है मुझे ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।